सुबह के बज गए हैं 5, ये देखिए। और मैं अभी उठ गया हूँ दूध निकालने के लिए, क्योंकि गाय के बछड़े हैं, बछिया है जो, उसने शोर मचा दिया दूध के लिए। आ जाओ जल्दी आ जाओ, दूध निकालना है अभी, तैयार है पहले ही बाल्टी लेके। देखिए चड्डी चड्डा मानी शोर मचाती है बहुत। देख कैसी मंडेगी, देखो उसे। ले लो देख लो कैसी लगे, खुलवा नहीं सकती आराम से। ना ना दे दो, और यहां से कोशिश करते हैं वहां तक जाने की। बछिया बस बस आप भी मार रहे हो है जी, ये तो अच्छी बात। स्टूल लोगे बैठने के लिए? कैसे निकाल लेगी? अजीबा अजीबा देख तो वहां कितनी जल्दी दूध निकालती है। तो गाय का उस वाली का तो जल्दी निकाल देती है बबली, इसमें लेट करती है, इस वाले में लेट करती है क्या दूध निकालने में। ये देखिए सुबह सुबह क्या कर रहा, गाय के पैरों में मुंह रख रहा, देखो पैर रख देगी मुंह पे अपने मुंह में। चलो किचन में रखिए, अब यहीं पर रख दे, और फिर थोड़ी देर में ना बबली थोड़ी देर में मैं घर पे रखूंगा दूध को, ठीक है? हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो देखिए आज हमारी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और रवि जी भी अभी नहा के आए हैं और तैयार होने लग रहे, कपड़े पहन रहे, ठंडी का मौसम है तो अपने तैयारी कर दे, ठंड ना लगे। हाँ जी तैयार नहीं होना बाबू, और मजबूत कपड़े पहनने, मजबूत लगेगी ना। हाँ जी ऐसी जगह जा रहे जहाँ पे बहुत ठंडी लगेगी,
तो देखिए जहां जाने की तैयारी हो रही है, तो उसकी तैयारी मैंने कर ली है। आज है संडे का दिन, बच्चे सो रहे हैं अभी। मैंने निकाला था दूध, मम्मी की आज हो रही तबीयत खराब तो मैंने दूध निकाला था। उसके बाद में फिर तैयार होने लगी थी कि जहां मुझे जाना है उसकी तैयारी कर लूं। हम खेत में दिया लगाने के लिए जा रहे हैं और इसकी तैयारी मैंने बहुत देर पहले ही कर ली। तो देखिए ये सब कुछ सामान मैंने, ये है माचिस और इसमें रखा हुआ है मैंने घी और बत्ती, बहुत पुरानी है ये। ये मैंने जब मैं दिल्ली रहती थी ना तो वहां पे ली थी ये मैंने डब्बी। और ये है दिए, मिट्टी के दिए, और इसमें ली है मैंने हल्दी टिक्का लगाने के लिए। और देखिए इसमें चावल भी है मेरे चावल, और इसमें लिया है मैंने प्रसाद, और ये है धूप बत्ती। ये देखिए ये धूप बत्ती है। तो सारी तैयारी मैंने कर ली, तो चलते हैं अब हम खेत में। बच्चे नहीं जा रहे क्योंकि घर तो ऐसा मौसम लग रहा कि धूप निकल जाएगी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा, और खेत में आ रही बहुत ज्यादा धुंध, कोहरा पड़ रहा है। जैसे कि मोटरसाइकिल पे जाएंगे तो बहुत ठंड लगेगी ना, हवा लगती है। तो मिक्की भी सो रहा और मिष्टी भी सो रही अभी, मगर चल तुम बच्चे सो, तो इससे मैं ढकती हूँ, इससे ये हो जाएगा हमारा। मैं ना कंडी लेके आऊंगी, मतलब पूजा करने के लिए सारा सामान जो मेरा है मैंने सोच रखा है वो मेरे पास नहीं है, तो उसे लेके आऊंगी। ये तो मैंने मजबूरी में लिया है। तो चलिए अब ले लेती हूँ मैं जल, ये हमारा डिब्बा हो गया। ये हमारे पास थोड़ा सा ही गंगा जल है, हरिद्वार जाएंगे तो लेके आएंगे। और थोड़ा सा ताजा दूध है ये गाय का। तो ये हमारा पूजा का सामान तैयार हो चुका है, अब मैं चलती हूँ घर। में चले गए हैं तो उनके साथ जाऊंगी, बच्चे सो रहे और सब कुंडी लगा के जाऊंगी। बंदर नीचे उतर जाते हैं, कल भी बहुत बड़ा नुकसान होने से बचेगा मेरा। मैर बबली आ गए, देता हूँ पैर सुनोगे बिल्कुल पैर सर्दी में पूजा करो आप। आ जाओ आप भी। मैं भी ठीक है। यहो तुम्हारा आज की चीज़ है, मुझे दिल में ना मुझे होगा, चलो कोई नहीं आ जाओ। मैं थोड़ा मैं चलो ये बबली ने चिराग बत्ती करने के बाद में सोचा कि पालक तोड़ लूं, खेत में पालक बो रखा ना, और ये साग साग बनाने के लिए पालक तोड़ रही घर का। और पालक की भुजी बनाऊंगी।
और देखिए वहाँ पे पालक बो रखा है, इधर बो रखे आलू, उधर लहसुन है, इधर प्याज है, थोड़े थोड़े करके सारा आइटम है वहाँ तक। उधर गेहूँ है परे साइड में, इधर गन्ने छील ले है, और यहाँ से छील लिया सारा गन्ना यहाँ से। ये आलू है बबली, इधर तोड़ लिया थोड़े से वैसे। और देख बेल भी लग रही, कितनी सारी बेल आ रही पेड़ पे। उसकी पालक की पकौड़ी बनाओगे? पकौड़ी बना लूंगी सब्जी में। अच्छी पराठे बना लो। चलो ट्वेल्व भी बंद है कई दिन से, क्यों सर्दी में पानी की जरूरत ही नहीं होती। ये हरा धनिया है, ये वाला नहीं, हरा धनिया नहीं, और कुछ है, गाजर तो नहीं है। अच्छा, इस पूरी क्यारी में, इधर मतलब कि इस पूरे एरिया में साग सब्जी बो रखी है बस। और देखिए दोस्तों अब आए हम माड़ी पे, अंदर भीड़ है तो अंदर नहीं मैं कैमरा ले जा पाया। पब्लिक अंदर गई हुई है चिराग लगाने के लिए, और मैं भी जा रहा हूँ अब। ये हमारी गांव की माड़ी है जावीर बाबा। और खेत में से आते आते अब पहुंच गए हम गांव के अपने मंदिर में। ओम नमः शिवाय। ये हमारा मंदिर है छोटे वाला, बड़ा मंदिर तो गांव के बीच में है, तो हम यहीं पे आ जाते हैं, अधिकतर यहीं पे आते हैं। ये इधर इसका आश्रम है, बच्चे परेशान हो जाएंगे।